ब्रेक्स कब लेने चाहिए ताकि हम हमारे पूरे थकावट से दूर हो जाएं। इस पर्टिकुलर सवाल को जब पूछा गया तो मैंने सोचा कि क्या है ब्रेक और कैसे वो काम करते हैं, तो क्यों ना इस पर डिस्कस करने के लिए एक वीडियो बनाया जाए ताकि हम हमारे ब्रेक्स को पहचान सकें और अपने आप को मोटिवेट कर सकें कि कैसे इन ब्रेक्स के वजह से हमारा फोकस, हमारा कॉन्सेंट्रेशन और हमारा काम करने का तरीका डेवलप हो। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है समय नहीं है। इस बुक को आप अमेजोन पे, किंडल पे सर्च कर सकते हैं। उनमें अनेक सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। एक सवाल जो मुझसे नया पूछा गया कि ब्रेक्स कब लेने चाहिए, तो उस पर जब मैंने अपने थॉट्स लगाना शुरू किए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें माइक्रो ब्रेक्स लेते रहना चाहिए। जैसे हर एक घंटे बाद, डेढ़ घंटे बाद 5 से 10 मिनट के लिए अपने काम से दूर हो जाइए, जिसे हम माइक्रो ब्रेक कहते हैं। अब उस टाइम पे आप फ्रेश एयर थोड़ा सा कंज्यूम कीजिए, अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, बातचीत कीजिए कलीग के साथ में। ये जो माइक्रो ब्रेक्स हैं ये हमारे माइंड को रिफ्रेश करेंगे, हमारा जो फोकस है उसे बूस्ट करेंगे और जिससे हमारी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। उसी के साथ साथ आपको आपके बॉडी को सुनना होगा। अब बॉडी तो बात नहीं करती है, लेकिन आप अटेंशन दीजिए कि ऐसा कुछ होता है जिससे हो रहा है, आ रहा है, आपको काम करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है, नींद जैसी फीलिंग हो रही है। ये सब कुछ जो है ये आपके बॉडी के रिमाइंडर्स हैं कि भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लो यार, थक गए हैं हम। तो उस टाइम पे आपका जो ब्रेक टाइम है उसको बड़ा कर लीजिए, 15 से 20 मिनट का कर लीजिए, ताकि आप जैसे मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करते हैं अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप आपके ब्रेक्स को शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे आप आपकी मीटिंग्स को शेड्यूल करते हैं फिक्स टाइमिंग्स पे, वैसे आपके ब्रेक्स को आप शेड्यूल कर लीजिए, आपके कैलेंडर में, आपके शेड्यूल में फिक्स टाइम डाल दीजिए कि ये 2 से 2:30 बजे तक मेरा ब्रेक टाइम है, पावर नैप टाइम है। इस तरह से आप उसे शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे आपका सेल्फ केयर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और ध्यान रखिए, उनको हमें मिस नहीं करना है। और जब भी आप ब्रेक लेते हैं, कंप्लीट डिस्कनेक्ट कीजिए अपने काम से, ताकि आप वापस रिकनेक्ट कर सके। नहीं तो क्या होगा, आप ब्रेक में जाएंगे और आपके जो वर्क ईमेल्स हैं उन्हीं को आप रिप्लाई दे रहे हैं। उसकी जगह कोई भी किताब उठाइए, उसको पढ़िए, कोई ऐसी चीज कीजिए जो आप इंजॉय करते हैं, या फिर कहीं आसपास में बाहर एक वॉक करके आ जाइए। जब आप फुल्ली अपने काम से डिस्कनेक्ट होते हैं, तब वापस रिकनेक्ट करने वाली फीलिंग आती है। एक चीज ध्यान में रखिए, ब्रेक लेना मतलब आप थक रहे हो, आपसे अब काम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्ट्रेटेजी है हमारे सेल्फ केयर की, और आपको इसी तरह से कन्वे भी करना है। आप थके हुए नहीं दिख रहे हो, फिर भी आप कहते हो दिस इज माय ब्रेक टाइम, मतलब ये बताता है, ये दर्शाता है कि आप आपके शेड्यूल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और किसके लिए आगे बढ़ना है, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपके एफिशिएंसी के लिए, जो आपके वर्क लाइफ बैलेंस को बढ़िया बनाएगी और आपको ग्रोथ देगी। थैंक यू वेरी मच। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।